देवोलीना के गेम पर बोले एजाज खान। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो एजाज खान हैं वो घर से बेघर हुए हैं और तभी से सभी को एक प्रकार से कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है बिग बॉस सीजन 14 के घर। हालांकि अब देवोलीना बैनर्जी जो है वो एजाज खान की प्रॉक्सी बन घर के अंदर तो आ गई है, पर एजाज खान की कुछ ये टिप्पणी है देवोलीना के गेम पर। देवोलीना के बारे में कहते हुए एजाज खान ये बताते हैं कि वो जिस प्रकार से खेल रही है वो तो अच्छी तरीके से खेल ही रही है, पर उसी के साथ साथ मेरी सिर्फ उससे एक ही एक्सपेक्टेशन है और वो ये है कि वो मेरे घर के अंदर आने तक एविक्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो एविक्ट हो जाती है तो इट इज़ एज गुड एज एजाज इज ऑल्सो एविक्टेड फ्रॉम द शो। जी दोस्तों, तो अब ये देखना है कि आखिरकार देवोलीना कितने डट कर सामना करती है एजाज के लिए और किस प्रकार से एजाज के बिहाफ पर खेलते हुए नजर आती है। आपको देवोलीना का गेम कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइए हमें। और उसी के साथ साथ जब एजाज को ये भी पूछा गया कि देवोलीना के गेम के बारे में उनको क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से गेम खेल रही है और गेम तो अच्छा ही खेल रही है, वो खुद भी खेल चुकी है तो उनको पता है कि गेम कैसे खेलना है। मेरी सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो घर के अंदर टिके रहे मेरे अंदर वापसी करने तक। तो आपको क्या कहना है और आप कितने एक्साइटेड है एजाज को वापसी करते देख, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।